आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने जो प्रोटेस्ट की कॉल थी रिसेंटली लास्ट ईयर हमारा प्रोटेस्ट 35 दिन का चला था, हमारी डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट चला था, जिसमें हमारी 3 ही डिमांड है। और 3 डिमांड्स इज रेगुलर जॉब सर्विसेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली जो स्ट्राइक चली थी पिछले साल, उसमें सरकार के साथ मायदा तय पाया था, जिसमें ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और जो बाकी सरकार के आला अफसर हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनके साथ एक मायदा तय हुआ था। जम्मू कश्मीर नेशनल एम्प्लॉयज के दरमियान एक एग्रीमेंट बना था, उस एग्रीमेंट में 9 पॉइंट तय किए गए थे, मगर 9 में से भी मेरे ख्याल से 3 हल हुए हैं, बाकी जो 6 बचते वो भी अनफुलफिल्ड है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, गवर्नर इंतजामिया को बताना चाहूँगा, अगर वाकई वो संजीदा है जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट को सुधारने में, तो NHM एम्प्लॉयज, JKSX एम्प्लॉयज और RNCP एम्प्लॉयज को मसले को संजीदगी से लिया जाए और एक पॉलिसी के साथ सामने आए। रिसेंटली हमारे कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, जिसमें डॉक्टर्स भी है और पैरामेडिकल स्टाफ भी है, कुछ डेथ जो बॉर्डर एरियाज में काम करते हैं उनके लिए कोई एग्जिशन पॉलिसी नहीं, जिनके बच्चे आज तक सफर कर रहे हैं। आपके माध्यम से फिर बताना चाहूँगा कि अगर सरकार वाकई संजीदा है हमारे मसले को लेकर, तो एक संजीदगी के साथ सामने आए। हम भी नहीं चाहते कि रोड हिट करें, जिसमें मेरे डॉक्टर का काम है हॉस्पिटल में पेशेंट देखना, मगर बदकिस्मत हमें बार बार रोडों पर आना पड़ता है। मेरी गुजारिश है कि गवर्नर से कि हमारे मसले को संजीदगी से लिया जाए, ताकि हम अपने अपने ड्यूटी पर लौट जाएँ।